जिला विकास प्राधिकरण की टीम द्वारा अवैध मकानों के संबंध में चलाए जा रहे अभियान को लेकर अवैध भवन स्वामियों में हड़कंप मचा हुआ है। जहां जिला विकास प्राधिकरण की टीम राजमहल होटल कंपाउंड में बन रहे अवैध मकानों को सील करने पहुंची, जहां 3 मकानों को विकास प्राधिकरण द्वारा सील किया गया। आपको बता दें कि शहर में धड़ल्ले से चल रहे अवैध निर्माण व ग्रीन जोन में बिना नक्शा पास कराए मकान धड़ल्ले से बनाए जा रहे हैं, जिसे देखते हुए जिला विकास प्राधिकरण मुस्तैद होकर अवैध बन रहे भवनों व भवन स्वामियों पर कार्यवाही कर भवनों को सील कर रहा है। प्राधिकरण के जूनियर इंजीनियर कमल जोशी ने बताया कि प्राधिकरण का यह अभियान आगे भी जारी रहेगा। नवबारा समाचार नैनीताल उत्तराखंड से मुनीब रहमान। आज हमारा यहाँ राजमहल होटल कंपाउंड क्षेत्र में अवैध निर्माणों की के लिए कार्रवाई हेतु यहाँ का निरीक्षण किया गया। आज के दिन हमारे द्वारा यहाँ पर 3 कार्य सीलबंद किए गए हैं और आने वाले समय में अवैध निर्माणों के प्रति कड़ी से कड़ी कार्रवाई हमारे विभाग द्वारा अमल में लाई।